हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज़। आज की वीडियो में मैं आप सभी को समझाने वाली हूँ द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो ये प्रोसेस है, ये सर एलेक्स जेफरीज ने 1984 में डिस्कवर करी थी। अब इस प्रोसेस को डिस्कवर करने का क्या मतलब था, क्यों करी, क्या जरूरत थी? कई बार आपने देखा होगा मूवीज में ऐसा होता है कि एक जगह पे मर्डर हुआ है और दो ब्लड सैंपल्स मिली हैं। एक ब्लड तो है विक्टिम का, जिस बेचारे की डेथ हो गई, और दूसरा ब्लड सैंपल माना जा रहा है कि मर्डरर का है। अब हमें दो लोगों पर शक है कि यार, या तो पर्सन ए ने मर्डर किया है या फिर पर्सन बी ने मर्डर किया है। कैसे पता करेंगे कि पर्सन ए गुनहगार है या बी गुनहगार है? तो हम क्या करते हैं, उस ब्लड सैंपल से डीएनए निकालते हैं और पर्सन ए और पर्सन बी का डीएनए भी निकालते हैं। दोनों के डीएनए सीक्वेंसेस को मैच करके देखते हैं। क्राइम साइट के डीएनए सीक्वेंस जिस पर्सन के डीएनए सीक्वेंस से मैच करे, वो मर्डरर था। ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज करी जाती है। कई बार आपने मूवीज में ये भी देखा होगा या फिर न्यूज में सुना होगा कि पापा कहता है ये मेरा बेटा नहीं है, मैं इसको स्वीकारूंगा नहीं। तो इस केस में क्या होता है, पेटर्निटी टेस्ट कराते हैं ताकि प्रूफ हो सके कि ये जो बच्चा है ये इसी पापा का है। तो इस केस में पेटर्निटी टेस्ट में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे क्राइम वाले केसेस, पेटर्निटी टेस्ट, सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक डेवलप हुई जिसे हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 1984 में सर एलेक्स जेफरीज ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, डेफिनेशन पर आए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ लेबोरेटरी टेक्निक या फिर अ केमिकल टेस्ट दैट शोज जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पर्सन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक केमिकल टेस्ट है या फिर एक लैब टेक्निक है जिसके जरिए हम किसी इंसान के डीएनए मेकअप को जान सकते हैं कि इस इंसान के डीएनए में कौन से सीक्वेंसेस कहां पर प्रेजेंट है, कितने सीक्वेंसेस रिपीट हो रहे हैं। कंप्लीट डीएनए की स्टडी कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम कैसे यूज कर रहे हैं, किसी पर्सन की आइडेंटिटी निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, मर्डरर कौन था पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज कर रहे हैं, क्या ये पापा इस बच्चे के पापा हैं, आइडेंटिटी के लिए यूज कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहता है कि डीएनए में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें कि हम रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं, और यही रेपिटेटिव डीएनए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी पर्सन की आइडेंटिटी को जानने के लिए। इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। देखो क्या होता है, ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, 99.9% डीएनए हर इंसान में सेम होता है। मेरे डीएनए का जो 99.9% पार्ट है, वही आपके डीएनए का 99.9% पार्ट है। लेकिन हम दोनों के डीएनए एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, हम दोनों के डीएनए में 0.1% पार्ट डिफरेंट है। पूरे डीएनए मॉलिक्यूल में सिर्फ 0.1% पार्ट ऐसा होता है जो हर इंसान में डिफरेंट है, और यही 0.1% पार्ट इंसान की आइडेंटिटी बनाता है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम इसी 0.1% पार्ट को यूज करते हैं। एंड दिस 0.1% पार्ट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। ये जो डीएनए का 0.1% पार्ट है, इसमें क्या होते हैं, सीक्वेंस रिपीट होता है बेटा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रही हूं ए जी ए सी, यही सीक्वेंस कई बार रिपीट हो रहा है। अब सपोज मेरे अंदर, मेरे 0.1% में ए जी ए सी सीक्वेंस है, हो सकता है आपके अंदर जी ए सी ए सीक्वेंस हो, किसी और इंसान के अंदर कुछ और सीक्वेंस प्रेजेंट हो। तो हमारा 0.1% डीएनए हर इंसान में अलग होता है, या तो सीक्वेंसेस अलग होंगे, अगर किसी में सीक्वेंस सेम है तो नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स अलग होंगे। अगर मुझ में ए जी ए सी 500 बार रिपीट हो रहा है, तो आप में 502 बार रिपीट होगा अगर हमारा सीक्वेंस सेम है। तो हर इंसान में 0.1% ऑफ डीएनए इज कंप्लीटली डिफरेंट, और इस रीजन को हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए क्या हो गया, 0.1% ऑफ डीएनए जो कि हर इंसान में अलग है। इस सैटेलाइट डीएनए के पास, इस पोर्शन के पास रिपीटेटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। अगर आप डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में रोटेट करवाओ, सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, जो भारी चीज होती है नीचे सेटल हो जाती है, जो हल्की चीज होती है वो ऊपर रहती है। डीएनए को अगर हम सेंट्रीफ्यूज करें तो हमें दो पीक्स मिलती है। एक भारी वाली पीक होती है बल्क डीएनए की, यानी कि 99.9% डीएनए की, जो कि सेटल कर जाएगी ट्यूब में, और जो 0.1% डीएनए है जिसे कि हम कह रहे हैं सैटेलाइट डीएनए, दिस डीएनए इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये अभी बेसिक है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, कि किस चीज पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क करती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल कहता है कि 99.9% डीएनए हर इंसान में सेम होता है, लेकिन 0.1% ऑफ डीएनए इज डिफरेंट इन ऑल द
इंडिविजुअल्स, और इस 0.1% ऑफ डीएनए के पास रिपीटेटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। हर इंसान में ये सीक्वेंसेस अलग हैं, अगर किसी में सेम भी है तो नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स अलग हैं, और इस 0.1% ऑफ डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए दो टाइप के होते हैं बेटा, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। किस बेसिस पर हमने इन दोनों को कैटेगराइज किया है? ऑन द बेसिस ऑफ बेस कॉम्पोजिशन, कि इनके पास एडिनिन थाइमिन वाले सीक्वेंसेस ज्यादा है या फिर ग्वानिन साइटोसिन वाले सीक्वेंसेस ज्यादा है। ऐसा माना गया है कि जो मिनी सैटेलाइट्स है उनके पास ज्यादातर ग्वानिन साइटोसिन वाले सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो सैटेलाइट के केस में एडिनिन थाइमिन वाले सीक्वेंस ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट, एंड तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। इन तीनों के बेसिस पर हम सैटेलाइट डीएनए को 0.1% ऑफ डीएनए को कैटेगराइज करते हैं इनटू मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट के पास ग्वानिन साइटोसिन वाले बेसिस ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट के पास एडिनिन थाइमिन वाले बेसिस ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बेस पेयर्स की बात करूं तो मिनी सैटेलाइट के पास 10-100 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, यानी कि मिनी सैटेलाइट की एक रिपीटेटिव यूनिट में 10-100 नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, और ये रिपीटेटिव यूनिट्स 500-30,000 टाइम बेस पेयर लॉन्ग होती है। यानी कि मिनी सैटेलाइट के केस में कितने रिपीटेटिव यूनिट्स हो सकती हैं? 500-30,000 रिपीटेटिव यूनिट्स हो सकती है, और एक यूनिट के पास 10-100 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट के केस में क्या होता है, 2-6 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि AGC 3 बेस पेयर हो गए, फिर AGC, यही 3 यूनिट्स बार बार रिपीट हो रही है। 2-6 बेस पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 बेस पेयर्स लिख दिए, 3 बेस पेयर्स है ना ये, 3 बेस पेयर्स मैंने लिख दिए, और ये कितने बार रिपीट हो सकते हैं? 10,000-100,000 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेस कॉम्पोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, सैटेलाइट डीएनए को, इस 0.1% डीएनए को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहे हैं, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेटा हम मिनी सैटेलाइट यूज करते हैं, एंड दिस मिनी सैटेलाइट इज नोन एज VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। मैं अभी केस ले रही हूं कि एक कमरे में ना मर्डर हुआ है, ठीक है। अब इस कमरे में मुझे दो ब्लड सैंपल मिले, एक ब्लड तो मुझे पता चल गया कि विक्टिम का था, जिसकी डेथ हुई है उसका था। अब मुझे एक और ब्लड सैंपल मिला है, ऑब्वियसली बात है क्राइम साइट से अगर दो ब्लड सैंपल मिले हैं, एक तो उसका है जो बेचारा मर गया, लेकिन दूसरा तो उसी का होगा ना जो कि मर्डर के टाइम पर मौजूद था। तो मेरा शक है कि ये जो दूसरा ब्लड सैंपल है वो मर्डरर का है। अब मुझे पता है कि यार मुझे पर्सन ए और पर्सन बी इन दोनों पर शक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इन दोनों के ब्लड सैंपल लूंगी। अब मेरी साइट पर जो ब्लड सैंपल मुझे मिला है उस सैंपल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करूंगी, इन दोनों का डीएनए एक्सट्रैक्ट करूंगी, इन सभी तीनों सैंपल्स के डीएनए का 0.1% जो हम वीएनटीआर कह रहे हैं उसको मैच करके देखूंगी। क्रिमिनल साइट का जो वीएनटीआर है, इनमें से जिसके वीएनटीआर से मैच हुआ वही मर्डरर है भाई। अब मैं ये लेकर चल रही हूं कि जो क्राइम साइट से मुझे ब्लड सैंपल मिला है जो कि मर्डरर का ब्लड सैंपल है, उसका जो 0.1% डीएनए का सीक्वेंस है वो सीक्वेंस है AGAC, ठीक है। मैं ये लेकर चल रही हूं, डीएनए सीक्वेंसिंग एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक के जरिए मैंने पता लगा लिया कि जो ये इंसान है जो मर्डरर का सैंपल मुझे मिला है उस सैंपल का डीएनए सीक्वेंस कह रहा है कि जो 0.1% वाला पार्ट था उसमें AGAC सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब मुझे ये नहीं पता कि AGAC वाली रिपीटेटिव यूनिट्स कितनी है, मुझे पता नहीं है कि ये सीक्वेंस कितने बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ये पता चल गया है कि ये सीक्वेंस है भाई मर्डरर का। अब मुझे देखना है कि इन दोनों का ये सीक्वेंस है या नहीं है, अगर है तो सेम अमाउंट में रिपीट हो रहा है। अगर मर्डरर का AGAC सीक्वेंस 10 बार रिपीट हो रहा है तो इनमें से जिसका AGAC सीक्वेंस 10 बार रिपीट होगा वो मर्डरर होगा, वही मुझे पता करवाना है, ठीक है। तो हमारे मर्डरर का सीक्वेंस क्या है? AGAC है। ये सीक्वेंस कौन सा है? 0.1% वाला सीक्वेंस है बेटा, VNTR, AGAC है, ठीक है। अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में 6 स्टेप्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, स्टार्टिंग विद आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लड सैंपल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, क्रिमिनल साइट पे जो ब्लड सैंपल मिला था वहां से भी डीएनए निकाला, और जो पर्सन ए और बी है इनके ब्लड सैंपल से भी मैंने डीएनए निकाला। पहला स्टेप हो गया आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम द ब्लड सैंपल। अच्छा, ब्लड के अलावा बाकी सारे बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि सलाइवा से भी हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हेयर फॉलिकल को भी हम यूज कर सकते हैं डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अभी मेरे एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड सैंपल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा होता है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस।
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होती है? बायोलॉजिकल सीजर्स होती है, मॉलिक्यूलर सीजर्स, कैंची होती है जो कि डीएनए को स्पेसिफिक रीजन में कट करती है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, मैं एक क्रोमोसोम का एग्जांपल लेते हुए बता रही हूं आपको। सपोज ये मर्डरर का क्रोमोसोम नंबर 3 है बेटा, हालांकि सारे क्रोमोसोम को स्टडी करा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, मैं क्रोमोसोम नंबर 3 लेकर बता रही हूं कि क्रोमोसोम नंबर 3 में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मुझे पता चल गए हैं कि मौजूद हैं। कितने मौजूद हैं अभी मुझे ये नहीं पता है, ध्यान रखना मुझे इतना पता है कि मर्डरर के पास AGAC सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस कितने बार रिपीट हो रहा है अभी मुझे नहीं पता है। मुझे यहां पर मैंने लिख तो दिया है कि इसके पास 3 रिपीटेटिव यूनिट्स हैं, दूसरे वाले क्रोमोसोम पे 2 रिपीटेटिव यूनिट्स हैं, लेकिन अभी ये चीज हमें पता नहीं है। हाँ, ये मैं आपको बता रही हूँ समझाने के लिए। असल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हुए जब हम स्टडी कर रहे हैं, हमें इतना तो पता है कि रिपीटेटिव यूनिट्स हैं, लेकिन कितनी है वो हमें नहीं पता है। तो चलो कंफ्यूजन ही ना हो, मैं लिखा हुआ हटा देती हूँ। अभी मुझे पता ही नहीं है कि रिपीटेटिव यूनिट्स कितनी है। मैं क्या कर रही हूँ, मर्डरर के और पर्सन ए बी के, इन तीनों लोगों के क्रोमोसोम नंबर 3 को स्टडी कर रही हूँ। मैंने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर ली और इनके क्रोमोसोम को स्पेसिफिक रीजन पर कट कर दिया, यहां से भी कट कर दिया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डीएनए को सैंपल से एक्सट्रैक्ट कर दिया, अब हमने डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर दिया। उसके बाद हम करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को उनके साइज के बेसिस पर सेपरेट करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टेप में हम अग्रोस जेल यूज करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एनोड एक तरफ लगा हुआ है, दूसरी तरफ नेगेटिवली चार्ज कैथोड लगा हुआ है। वेल्स को हमने तीनों ब्लड सैंपल से भर लिया है। इसी एग्रोस जेल प्लेट में हम लोग एक एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं। एल्कलाइन सॉल्यूशन डालने से क्या होगा, हमारे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे ताकि ये इस प्लेट में मूव कर सके। ठीक है, अब हमने एल्कलाइन सॉल्यूशन भी डाल दिया है, मैंने करंट रन करवाया। सबसे पहले अगर मैं मर्डरर के फ्रेगमेंट्स को देखूं तो एक फ्रेगमेंट नंबर 2 पर जाकर रुका, एक फ्रेगमेंट नंबर 3 पर जाकर रुका। पर्सन ए का देखूं तो एक फ्रेगमेंट नंबर 5 पर जाकर रुका, दूसरा नंबर 4 पे जाकर रुका। पर्सन बी का देखूं तो एक फ्रेगमेंट नंबर 2 पे जाकर रुका, एक फ्रेगमेंट नंबर 3 पे जाकर रुका। ध्यान रखो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये फ्रेगमेंट कहाँ पे रुका है, लेकिन अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ। प्रैक्टिकली जब मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रही हूँगी मुझे नहीं दिख रहा है कि कहाँ पर रुके हैं। मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि नंबर 2 या 3 पे रुक गए हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में ये होता है तो अभी साइंटिस्ट को दिख नहीं रहा है कि ये कहाँ पर रुके हैं, बस उनको पता है कि कहीं ना कहीं पर रुक गए हैं। अब तीसरा स्टेप कहता है सडन ब्लॉटिंग। सडन ब्लॉटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट के ऊपर एक नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट रख देते हैं, एक पेपर रख देते हैं, नाइट्रोसेलुलोस पेपर या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट पेपर इसे कहते हैं, इस पेपर को रख लेते हैं। इस पेपर के रखने की वजह से क्या होता है, मैंने क्या किया यहां पर, अब एक पेपर रख दिया बेटा, इस पेपर ने इन फ्रेगमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, ये सारे फ्रेगमेंट्स पेपर पर एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो ये हमारा नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट है, इस नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट पे क्या हो गया है, मेरे फ्रेगमेंट्स एब्जॉर्ब हो गए हैं। किस किस नंबर पे थे, 2, 3, 4, 5, 2, 3, अभी मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, ये मैं आपको समझा रही हूँ कि कहीं ना कहीं पे रुक गए हैं। नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट ने, हमारी नाइट्रोसेलुलोस शीट ने क्या किया है, इन फ्रेगमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट टू नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट इज नोन एज सडन ब्लॉटिंग। हमारी सडन ब्लॉटिंग भी हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप कहता है हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो एक्टिव प्रोब। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो मर्डरर का डीएनए सीक्वेंस है वो क्या सीक्वेंस है, हमने कहा था मर्डरर के पास AGAC सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, हमें पता है AGAC सीक्वेंस का 0.1% डीएनए मर्डरर के सैंपल से हमें मिला है, हम क्या करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएंगे। AGAC का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, TCTG। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोब। प्रोब क्या होता है, जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। हमारे इस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट जिसके पास होगा उस डीएनए फ्रेगमेंट को हम प्रोब कह रहे हैं। इस प्रोब को हमने रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया है। इस प्रोब को हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव बना दिया है। रेडियो एक्टिव क्यों बनाया है वो हमें अगले स्टेप में पता चलेगा। ठीक है, अब मैंने ये रेडियो एक्टिव प्रोब नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट पे छोड़ दिए हैं। रेडियो एक्टिव प्रोब जाकर इन डीएनए फ्रेगमेंट से जुड़ गए। ठीक है, अब ये डीएनए फ्रेगमेंट्स पे रेडियो एक्टिव बन गए हैं क्योंकि प्रोब रेडियो एक्टिव था। लास्ट स्टेप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कहता है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, इस नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट के ऊपर अब मैं एक्सरे फिल्म रखूंगी।
एक्सरे फिल्म के जरिए जो भी रेडियो एक्टिव फ्रेगमेंट है वो चमकेगा, एक्सरे फिल्म में चमकेगा और मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा डीएनए फ्रेगमेंट किस पोजीशन पे जाके रुका था। ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर एक्सरे फिल्म में देखकर मुझे पता चल गया कि नंबर 2 पर कुछ चीज चमक रही है भाई, मतलब मर्डरर का एक क्रोमोसोम के पास 2 रिपीटेटिव यूनिट्स हैं, AGAC नाम की, तभी तो TCTG जाकर वहां पे रुका। दूसरे क्रोमोसोम पे 3 रिपीटेटिव यूनिट्स हैं, उसी तरीके से पर्सन ए के एक क्रोमोसोम पे 4 रिपीटेटिव यूनिट्स हैं, दूसरे क्रोमोसोम पे 5 रिपीटेटिव यूनिट्स हैं, पर्सन बी के एक क्रोमोसोम पे 2 रिपीटेटिव यूनिट्स हैं, तीसरे पे 3 रिपीटेटिव यूनिट्स हैं। तो किसका पैटर्न सेम है? मर्डरर का और पर्सन बी का पैटर्न सेम है, यानी कि मर्डर किसने किया था? पर्सन बी ने किया था। तो इसी तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते हैं क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने के लिए। आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें क्या किया हुआ है, पर्सन ए के 3 क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं, सपोज क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 6, क्रोमोसोम नंबर 5 दिखाया हुआ है। अब इनमें कुछ ना कुछ रिपीटेटिव यूनिट्स प्रेजेंट है, कितने नंबर प्रेजेंट है वो अभी हमको नहीं पता। पर्सन बी के भी 3 क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं, रिपीटेटिव यूनिट्स दिखाई हुई है। डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन मर्डरर के ये तीनों क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं, कितनी रिपीटेटिव यूनिट्स हैं ये अभी हमें नहीं पता है। हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी, एक्सरे फिल्म में हमें ये पैटर्न ऑब्टेन हुआ। अब एक्सरे फिल्म में पैटर्न ऑब्टेन करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मर्डरर का जो पैटर्न है वो किससे मिल रहा है, पर्सन ए से मिल रहा है या बी से मिल रहा है? पर्सन बी से मिल रहा है, यानी कि इस केस में पर्सन बी मर्डरर है। तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होती है। फटाफट समराइज कर लेती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैंपल से, चाहे वो ब्लड सैंपल हो, सलाइवा हो, हेयर फॉलिकल हो, सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद हमने क्या किया, डीएनए को स्पेसिफिक रीजन पे कट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मॉलिकुलर सीजर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हमने क्या किया, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हमें साइज के बेसिस पे सेपरेट करना है, जिसके लिए हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी। साइज के बेसिस पे जब सेपरेट हो गए हैं, उसके बाद हमने इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट में नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट रख दी है। इस शीट ने हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एब्जॉर्ब कर दिया है। अब हमने रेडियो एक्टिव प्रोब यूज करे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस यूज करे हैं। नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट में हमने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस छोड़े, ये प्रोब अपने अपने स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस से जाकर जुड़ गए। अब हमने ऑटो रेडियोग्राफी करी, एक्सरे फिल्म के अंदर इन फ्रेगमेंट्स को ऑब्जर्व किया और हमें पता चल गया कि कौन सा डीएनए का फ्रेगमेंट किस पोजिशन पर जाकर रुका है। हमें डीएनए बैंक्स का पैटर्न पता चल गया है। तो प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेप्स, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सैंपल, कटिंग ऑफ डीएनए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ साइज यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। उसके बाद आता है आपका ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट टू नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट, एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस कॉल्ड एज प्रोब, एंड दीज प्रोब्स आर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड सो दैट दे कैन बी व्यूड अंडर एक्सरे फिल्म। और लास्ट स्टेप आता है ऑटो रेडियोग्राफी, जिसमें एक्सरे फिल्म के अंदर हम क्या करते हैं, इन डीएनए सीक्वेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं और हमें डीएनए के बैंड्स मिलते हैं। क्राइम साइट के बैंड पैटर्न से जिस भी इंसान का बैंड पैटर्न मैच करेगा वो हमारा असली क्रिमिनल हो जाएगा। तो इस तरीके से सर एलेक जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस को डिस्कवर किया था और यही टेक्निक कई क्रिमिनल केसेस सुलझाने में या फिर पेटर्निटी टेस्ट में यूज करी जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।